नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भीकनगांव बमनाला चौकी प्रभारी रमेश पवार को सूचना मिली कि ग्राम सतवाड़ा में गिरधारी जयसवाल ने अपने घर में भारी मात्रा में अवैध देशी विदेशी शराब छिपाकर रखी थी। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना भीकनगांव थाना प्रभारी संतोष सिसोदिया द्वारा टीम गठित की, जिसने ग्राम सतवाड़ा में दबिश दी, जहाँ आरोपी गिरधर जयसवाल के टाट के बोरे में रखी कुल देशी एवं विदेशी शराब 290 लीटर कीमती 93,400 रुपये मिली। आरोपी पर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का अपराध क्रमांक 130/20, धारा 34(2) आबकारी एक्ट में अपराध कायम किया गया। पुलिस ने कल लॉकडाउन के चलते का आबकारी विभाग की कार्रवाई की है, क्या पूरा विषय क्या रहा सर? कल वहां पर बमनाला में एक मीटिंग रखी गई थी लॉकडाउन के संबंध में व्यापारी और सब्जी बेचने वालों की। वहाँ पर SDM साहब की उपस्थिति में मीटिंग ली। मीटिंग के बाद हम कस्बा भ्रमण कर रहे थे और लोगों को समझा रहे थे। उसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना हमारे ASI पवार साहब को मिली और वहाँ से हमरा बल के ग्राम सतवाड़ा पहुँचे और सतवाड़ा में गिरधारी पिता सुंदरलाल जयसवाल उनके यहाँ घर पर साइड में उन्होंने घर की आड़ में टाट के अंदर छुपा के शराब रखी थी, जिसको बिना लाइसेंस होने से विधिवत उसको जब्त किया है। उसको गिरफ्तार सर कितनी पेटी माल जब्त किया और कितने लोगों को गिरफ्तार किया और किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया? ये गिरधारी को ही गिरफ्तार किया गया है। उनसे करीब 29 पेटी शराब जिसमें बीयर की पेटी है और सफेद क्वार्टर है और बॉम्बे है और MD की पेटी है और उसमें 34(2) के तहत उसकी कार्रवाई की गई है। सर इसकी लागत, इसकी अनुमानित कीमत करीब 93,400। खबर समय जगत के लिए भीकनगांव से संजय एस कुमार गीते की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।